और हाँ, ये नेचुरल वाइग्रा का भी यूज करता है। इसे बेड पे जाने से 10 मिनट पहले पीजिए और इसका असर देखिए कैसे आप और आपके पार्टनर सर्दियों के अंदर खुश रहते हैं। यह है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको सर्दी सहन नहीं होती, आप बहुत से कपड़े भी पहनते हैं सर्दी से बचने के लिए, फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो यह वीडियो आपके लिए है, पूरा देखना। आज आप जानेंगे बिना किसी हैवी सप्लीमेंट के अपनी बॉडी को कैसे गर्म रख सको। जी हाँ, इस वीडियो को पूरा देख पाए और इसमें जो तरीके बताए हैं उसको अगर आपने इम्प्लीमेंट किया, खुद पर यूज किया, तो डेफिनेटली तीसरे या चौथे दिन से आपको जो सर्दी लगती है, नेक्स्ट टाइम आपको सर्दी उतनी नहीं लगेगी। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो आपको बहुत कम लगने लगेगी। सर्दी पूरी लगना ख़त्म नहीं हो सकती, बट आपको महसूस होना कम हो सकती है। इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। ये वीडियो स्टूडेंट्स कपल्स, यानी कि जो सिंगल है उनके लिए भी और जो कपल्स है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट कैसे हैं वो आप वीडियो में देखते जाइए। तो माई डियर स्टूडेंट्स एंड कपल्स, प्लीज स्टे इन दिस वीडियो एंड वी विल मीट आफ्टर दिस पार्ट। इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़, दालचीनी, अदरक बारीक कटी हुई और हल्दी, और ये जो आप रेड सर्कल में देख रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये लास्ट में डलता है, इसलिए हम इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। गुड़ को भी हमें लास्ट में डालना है, इसलिए हम गुड़ और ये हमारे सीक्रेट फॉर्मूले को हटा देते हैं, इनको लास्ट में डालेंगे। तो अब आपको करना है, एक पैन में दूध लेना है जितना आप पीते हैं, आधा लीटर या 250 ml। अब आपको उबलते हुए दूध के अंदर हल्दी डालनी है, जो बारीक कटे हुए अदरक है उनको ऐड करना है, और हाफ टी स्पून आपको दालचीनी यानी कि चिनमन डालना है। दोस्तों, हल्दी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होने के साथ साथ ये आपके जोड़ों के दर्द के लिए, आपकी बॉडी को हीट देने के लिए भी जानी जाती है। दालचीनी भी एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर है, ये आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है, आपके डाइजेशन को भी बेटर करती है, आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ा देती है। और दूध के गुण तो आपको सबको पता ही होंगे। तो ये वीडियो कपल्स के लिए क्यों स्पेशल है वो आपको लास्ट में पता चलेगा, तो कपल्स प्लीज़ देखते रहिए वीडियो को। तो जिस अब आपका दूध उबलने लगा है, उबलने के साथ साथ आपके जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, आपको 10 से 15 मिनट तक इसे पकाना है बिल्कुल हल्के मीडियम आंच पे। 10 मिनट के बाद गैस को ऑफ करें और गुड़ के जो टुकड़े हमने लिए हैं उसे आपको डाल देना है। याद रहे ये टुकड़े आपको गैस को बंद करके ही डालने होते हैं, अदरवाइज आपका दूध फट सकता है। इसके बाद आपको इसे छान लेना है और एक बर्तन के अंदर डाल लेना है। जब आपका दूध छन के तैयार हो जाए तो इसमें आपको स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं जो हमने शुरू में आपको बताया था। जी हाँ, वो है तिल। तिल हमने यहाँ पे क्यों लिए हैं वो आपको बता देता हूँ। तिल के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस होता है, और ये बॉडी को ऐसे एलिमेंट्स देता है जो बॉडी को हीट देते हैं, साथ के साथ आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है कैल्शियम की वजह से। ये आपकी बॉडी की कैल्शियम की कमी को भी दूर करता है। आपको कभी लाइफ में जोड़ों का दर्द नहीं हो सकता। और हाँ, ये नेचुरल वाइग्रा का भी यूज करता है। इसे बेड पे जाने से 10 मिनट पहले पीजिए और इसका असर देखिए कैसे आप और आपके पार्टनर सर्दियों के अंदर खुश रहते हैं। यह है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये था हमारा सीक्रेट फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छा लगा होगा। एंड माय डियर कपल्स, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। स्टूडेंट्स, सिंगल्स, आपके लिए भी है। अगर आपको ये वीडियो रियली अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, एंड हमारे काम को सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो, फिट रहो। थैंक यू वेरी मच।